तो काफी दिनों बाद आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली इवेंट्स वगैरह में हम लोगों ने सोचा था स्टार्ट करेंगे, आपने देखा होगा हमारा रीसेंट इवेंट, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। क्योंकि लाइव दो गुना सिर्फ चैनल विस्कीज के रिव्यूज के लिए नहीं है, और भी हमारे बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजों में आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। घूमना फिरना आप मचाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आगे बने रहे ना चैनल के साथ, तो बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ, रवि के साथ और नवीन के साथ। बिल्कुल कैमरा और हाँ, नवीन के साथ याद है, नवीन के स्टॉल को बेस्ट स्टॉल का अवार्ड मिला है, बिल्कुल जस्ट टू लेट यू नो कि हाँ भाई ने हमारे फोड़ दिया भाई, वहाँ बिल्कुल फोटो डाल दूंगा मैं यहाँ पे अवार्ड की, फोटो दे रहे हैं अवार्ड की, यहाँ पे बेस्ट अवार्ड मिला इसके स्टॉल को भाई। बिल्कुल बड़ी मेहनत भी करी थी, बनता है भाई का लिख नहीं रहा था आजकल हमारे साथ, तो एक साथ दिखा तो भाई फोड़ दिया उसने। बिल्कुल चलिए, तो अभी आज हम फिर से एक कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दो बोतलें हैं टेबल पे, समझ गए होगे दो बोतलें तो कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे रखा है ओल्ड स्मगलर्स एल्को ब्रूरीज से, और वहाँ पे है विलियम लॉसेंस बकार्डी से। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के दोनों बहुत अच्छे कंटेंडर हैं, हमें दोनों बहुत पसंद आए थे, एंड देखते हैं आज क्या धूम मचाते हैं दोनों की। और रिव्यू में बहुत मजा आने वाला है कि ओल्ड स्मगलर अपने आप में एक अलग ही ब्रांड है, और विलियम लॉसन तो काफी लोगों का बहुत फेवरेट ब्रांड है। बिल्कुल मेरा भी वन ऑफ फेवरेट है अंडर बजट, एंड देखते हैं आज क्या करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और दोनों के हमने डिटेल्ड रिव्यूज डाल रखे हैं हमारे चैनल पे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओल्ड स्मगलर का भी और विलियम लॉसन का भी, डू चेक दैट, मजा आएगा, बहुत अच्छे दोनों पे चखने भी मिलेंगे और बहुत अच्छे दोनों और पे, खासकर ओल्ड स्मगलर का भाई वो रिव्यू एक अमेजिंग रिव्यू है भाई, जरूर देखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देरी ना करते हैं। रियल मतलब किसी भी स्कॉच का मजा लेना है भाई, ऑन द बॉटल्स के अलग ही मजा आता है भाई। चलिए और इस टाइम ना पता है दिल्ली का मौसम ऐसा हो रखा है कि भाई कुछ कहा नहीं आ सकता, दिन मौसम बरसात किसे कहते हैं ना इस टाइम आप दिल्ली मतलब पता है क्या हो रखा है, दिन भर बंदा थकार के काम करे और रात के टाइम पर वाला बारिश करके मौसम बना लेता है बस ये वाला हाल हो रखा है। तो ये है विलियम लॉसन्स और ये है ओल्ड स्मगलर, तो अंदर दोनों ओल्ड स्मगलर है, बाहर दोनों विलियम लॉसन। तो स्टार्ट करें भैया किससे करेंगे, विलियम विलियम लॉसन लॉसन से। चलो काफी टाइम बाद नोजिंग करते हुए ना मालूम पड़ रहा है कि मैं भी अल्कोहल भाई बहुत मजा आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो कलर से, देखो कलर बहुत ही अच्छा है इसका, अच्छा कलर है, बढ़िया कलर है, ऑल्दो कलर एडेड है बट अच्छा कलर है। हाँ कॉपर से और भी मतलब ब्लाइट में आ जाओ तुम, ऐसा कलर है इसका। हाँ और न्यूजिंग करके अगर मैं आपको बताऊं वही फ्रूटी फ्लोरल एकदम अमेजिंग सी वो है, अरोमा वाली बिल्कुल अच्छा अरोमा आता है इसमें हमेशा, गजब का फ्रूटी, सारे नोट्स आपको मालूम पड़ेंगे, बिल्कुल टॉपिकल बहुत जितने भी नोट्स प्लेजेंट है नोज पे, है ना, एक नंबर का ओल्ड स्मगलर। चलो आ जाओ। ऑलमोस्ट सेम कलर है लेकिन ओल्ड स्मगलर ज्यादा क्लियर है। हाँ क्लियरिटी ओल्ड स्मगलर में ज्यादा है बट ऑलमोस्ट सेम कलर। और एक चीज बता दूं, अगर हम कलर की बात करें दोनों में परमानेंट कलर है, नेचुरल कलर सॉरी, ये स्कॉच है ना भाई ओल्ड स्मगलर, ये एक अलग ही लेवल की स्कॉच है, मतलब इसका ना आप किसी भी स्कॉच की नोजिंग से ना आप कंपैरिजन ज्यादा कर ही नहीं सकते, एकदम अलग सी नोजिंग है इसकी बिल्कुल। थोड़ी सी अगर मैं आपको बताऊं अपने तरीके से तो थोड़ी सी इससे ऊपर है नोज में, इन केस ऑफ डेलिकेसी, इन केस ऑफ स्पाइस आपको नोजिंग के टाइम पे पता चलता है, बिल्कुल ना पड़ेगा। फ्रूटी फ्लोरल ये भी है आपको पता है, इसका थोड़ा सा ट्रॉपिकल अंदाज में बनाई गई है ये, तो काफी मजेदार है बट हाँ नोजिंग में डिफरेंस है बिल्कुल पता चलेगा आपको, बिल्कुल मजा चलेगा। ये थोड़ी ज्यादा प्लेजेंट है नोज पे, उतनी ज्यादा हैवी नहीं है बट ये नोज पे, मैं ये नहीं कहूंगा हैवी है बट नोज पे फील हो, मतलब इसमें आपको काफी सारे नोट मालूम पड़ेंगे। हाँ। मतलब कि एक होता है ना सिर्फ फ्रूटी नोट्स होता है, एक होता है दूसरे भी नोट्स होते हैं ऐसे कि हाँ। मसालों के कुछ नोट्स होते हैं स्पाइसेस नोट, वो मालूम पड़ेंगे आपको ओल्ड स्मगलर के। चलिए विलियम लॉसन से। चलो चीयर्स। चीयर्स। जैसे कि हमेशा आपको पता है बहुत प्लेजेंट है, जीप पे भी बिल्कुल बर्न फील होता नहीं है, फ्रूटी फ्लोरल और इसके अलावा और एकदम स्मूथ सा टेस्ट है, मतलब इसका बहुत स्मूथ, मतलब गले से ऐसे प्यार से उतर जाती है एकदम। फ्रूटी नोट तो मतलब आपको जैसे ही आप नोट पे लोगे ना वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा, कैरेमल का टेस्ट जब आप बिल्कुल अंदर लोगे एक घुट अंदर लोगे तो बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर जो होता है ना कैरेमल वाला वो आपको मालूम पड़ेगा बढ़िया वाला। तो राहुल तो बता और क्या क्या फील हुआ तेरे को? बस अभी तो यही इसमें फील होता है क्योंकि ये विस्की में ज्यादा कुछ वो नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी ज्यादा कुछ खास नहीं है,
ये विस्की है, ये स्कॉच है, मतलब लाके और एंजॉय करने वाली। बिल्कुल, मतलब नो बकवास स्कॉच है ये। हाँ। इन्होंने लिखा भी हुआ है। हाँ। ठीक है, कि फालतू बकर नहीं करते ये लोग, आपको एंजॉय करने के लिए एक विस्की चाहिए तो इन्होंने एंजॉय करवाने के लिए एक विस्की बनाई है स्कॉच। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, स्मूथ। बिल्कुल। तो ओल्ड स्मगलर, चीयर्स। अब देखो इसका टेस्ट ना बिल्कुल उससे अपोजिट है। स्मूथ ये भी है, ऐसा नहीं कि स्मूथ नहीं है, लेकिन कम स्मूथनेस है। मुंह में फील कराती है कि मैं हूँ। हाँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा पाइनएप्पल वाला टेस्ट आएगा इसमें, थोड़ा सा फ्रूटी जैसे बताता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह वो फील होंगे। स्पाइसेस का जो तो उसमें जब बाद में टेस्ट आता है स्पाइसेस का, लौंग का, अदर का, आय हाय, वो इसको ना मतलब एक अलग ही स्कॉच बनाता है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये दोनों ही स्कॉच ऐसी है जो आप दोनों ही एंजॉय कर सकते हो, एक साथ भी एंजॉय कर सकते हो और अलग अलग भी एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, और प्राइस भी दोनों का मतलब कि लगभग 19-20 ही है, कोई ज्यादा महंगी स्कॉच नहीं है, दोनों में से कोई भी आप लाके आराम से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ये तो 1600 की है, वो कितने की? वो 1900 रुपए तक की आती है, ज्यादा। हाँ, मतलब कि लेकिन यार अच्छी अगर लागे पियोगे यार तो बनता है यार। बट हाँ, अच्छा है, दोनों का अपना अपना प्रोफाइल है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, टेक्सचर दोनों का डिफरेंट भी है, बट दोनों का एंजॉय करने लायक। बिल्कुल, है ना। तो एक बार इतना हो गया, थोड़ा सा पानी डाल के बीच में ट्राई कर ले। बिल्कुल भाई, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मैं निकाला मैं ट्रिपल पी। चलिए किसे स्टार्ट करें? विलियम नॉर्टन से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, कोई कलर में ज्यादा फर्क नहीं है, ये अच्छी स्कॉच की निशानी होती है ना। नोजिंग देख लेते हैं। अब आई है विलियम नॉर्टन की नोजिंग उबर के, थोड़ी सी खुल गई है। हाँ। अगेन फ्लोरल फ्रूटी अभी भी आपको फील होगा, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और इसमें थोड़ा सा चॉकलेटी थोड़ा सा फील कर लोगे। ठीक, बिल्कुल। आफ्टर वाटर ऐड करने के बाद ना विलियम लॉसन ज्यादा अच्छे है, अरोमास दे रही है मेरे को कंपैरिजन टू ओल्ड स्मगलर। विलियम लॉसन ज्यादा खुल गई है, ज्यादा खुल गई है वो। चलो टेस्ट करें, किससे पहले से करें? विलियम लॉसन से करते हैं। चलो जी, चीयर्स। अरोमा अच्छा था। हाँ, बट मेलो हो गई है ना पानी में, बहुत मेलो हो गई, मतलब कि इसका मजा तो यार बिल्कुल उसके साथ ही है, वही है कि नहीं पीने में मजा है, और अब तो गर्मियां स्टार्ट होगी तो ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स भाई, मजा ही लगे, मतलब अंदर रखते बात। बिल्कुल, तो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मर ही गई है, बट हाँ जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसे काफी नीचे आ गई है, स्मूथ है और फ्रूटी फ्लोरल अभी भी फील हो जाएगा, पानी में भी आप एंजॉय कर लोगे उस लेवल का अगर हमारी तरह पीते हो तो, है ना। चलो अब इसके अंदर ना एक थोड़ा सा ना हल्का सा जो हनी वाला टेस्ट होता है ना, अब वो मालूम पड़ रहा है इसके अंदर, ओल्ड स्मगलर के अंदर, आफ्टर वाटर ऐड करने के बाद। शायद वो हनी का जो था वो दब गया था, और वाटर ऐड करने से पूरा वो खुल गया एकदम से। हनी का थोड़ा सा अच्छा सा आया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हम, मिठास जो है ना खिल के आई है थोड़ी सी, और स्पाइसेस वगैरह अभी भी बरकरार हैं, फ्रूटीनेस अभी भी बरकरार है। यही तो, इस ओल्ड स्मगलर की मेरे ख्याल से खास बात है कि ना इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल अलग ही सा ही टेस्ट है अभी, है ना, ट्रॉपिकल जैसे कह रहे हैं, ट्रॉपिकल टेस्ट एकदम पायरेट वाला जो है ना उसका जो थीम चल रहा है, पायरेट वाला जो कल्चर है थोड़ा इक्वाडोर और थोड़ा उस तरफ जैसी जगहों से, जमैकन जैसी जगहों से स्टार्ट हुआ है मोस्टली, और वहाँ पे ट्रॉपिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, तो उनको अपनी दारू में भी वो ज़्यादा चीज़ पसंद है। हाँ। तो उनकी दारू में आपको ये चीज़ मिलेगी, इसीलिए आपने देखा होगा रम, जो कि अगेन एक पायरेट, वेयर इज द रम, जो अगेन एक पायरेट से रिलेटेड जिसको जोड़ा जाता है रम को, वो भी फ्रूटी फ्लोरल होती है, है ना। हाँ, तो ये भी थोड़ी उसी है, बढ़िया, बट बढ़िया उसी की तरह। ओ, रम का रिव्यू आएगा बढ़िया वाला, जल्दी कर, पायरेट वाली रम आएगी। चलो, तो ये थे हमारे आज के रिव्यू, आज के कंपैरिजन, आई होप पसंद आया हो। देखो ये दोनों ऐसी हैं, दोनों पसंद हैं, दोनों का अच्छा टेस्ट है, दोनों की अच्छी प्रोफाइल है। क्यों? तो भाई टू बी फ्रैंक, जैसे कि दो बच्चे होते हैं ना, मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट बच्चा है भाई, मेरे हिसाब से ओल्ड स्मगलर मेरे को अपना फेवरेट लगता है, क्योंकि ये इसकी एक अलग ही पहचान है। देखो यहाँ पे तो मैं भी ओल्ड स्मगलर की तरफ झुकूंगा। हाँ, क्योंकि विलियम लॉसन जैसा टेस्ट ना हर किसी स्कॉच में मिल जाता है, स्मूथ है वो, उसकी पहचान ही स्मूथनेस है। ठीक है, बाकी फ्लोरल फ्रूटी वगैरह तो देखो ये भी है, बट विलियम लॉसन ज्यादा स्मूथ है। अगर आपको स्मूथ बहुत ज्यादा पसंद है ना, आप बिल्कुल विलियम लॉसन जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज, थोड़ा एक्स्ट्रा मुंह में माउथ फील अच्छा चाहिए और थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो वो उससे ज्यादा अच्छी मिलती है, नो डाउट अच्छी मिलती है, तो मैं भी उसी तरफ
बिल्कुल है ना। एक चीज और है, स्मोकनेस दोनों में से किसी में भी मेरे को ज्यादा फील हुई नहीं है। थी मतलब कि दोनों बैलेंस की है। हाँ, दोनों बैलेंस। हाँ। ठीक है, तो अच्छा आप एंजॉय कर सकते हो। वो बात अलग है, वो थोड़ी महंगी भी, वो थोड़ी अच्छी भी है। चलो, तो आई होप आपको ये रिव्यू आज का पसंद आया। क्यों बिल्कुल अर्जी लगा दो फिर। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे चैनल में बने रहने के लिए, और ऐसी हजार वाली फैमिली को लाखों में बना दो। बिल्कुल, और ऐसी चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कि आगे जाके बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस आने वाले हैं मेरे रवि और नवीन के साथ, तो बने रहो चैनल पे। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ जाने से पहले, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए कंपैरिजन नए कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए लाइव दोगुना की तरफ से, मेरे और राहुल की तरफ से, चीयर्स।